हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, ट्राइंगल्स त्रिभुज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगर आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर है ना बच्चों, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत दुविधा नहीं रहती है। तो मैंने बाकी तो सब कुछ करा ही रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। पूरी एनसीईआरटी खत्म है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं और ये सीरीज भी चला रखी है हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपके डिमांड पर। सभी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, तो जो चीज़ पूछ रहा है वो भी मैं बताऊंगा, जो चीज़ पूछी जा सकती है किसी क्वेश्चन में और वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, क्या पता ये नहीं तो वो आ जाए, है ना। तो कोई चीज़ मैं मिस नहीं कर दूँ। समचतुर्भुज क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है परंतु चारों कोण 90 अंश के नहीं होते। 90 अंश के होंगे तो वो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, लेकिन ये वर्ग नहीं होता है। और इसकी जो विकर्ण होती है, ये जो विकर्ण है बच्चों, वो दोनों के दोनों विकर्ण अलग होते हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सो देखो, और विकर्ण में की खासियत क्या है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है और वो दो समान हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर एक विकर्ण हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो 6 का आधा ये हो जाएगा 3। ठीक है, और एक विकर्ण 8 है तो 8 का आधा इधर हो जाएगा 4। तो अगर इस त्रिभुज की हम बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, हमें भुजा निकालनी है, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी कि हमें कर्ण निकालना है। और आपको पता ही है जो कर्ण का वर्ग होता है वो क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। कर्ण हमें निकालना है, आधार कितना है 4 का वर्ग, लंब है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस में ही लेना है 5, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो बच्चों जो भुजा की लंबाई होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आराम से मक्खन की तरह से। अब इसमें आपसे क्षेत्रफल अगर पूछ देता कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बट्टे में 2। ठीक है, ये आपसे भी पूछ सकता था। तो विकर्ण कौन कौन से थे, 6 × 8 बट्टे में 2, 2 × 8 6 × 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में जो भी आपका यूनिट होता है उसकी घात 2 लग जाती है, तो ये भी आपसे क्या पता पूछ सकता था, तो वो मैंने लगे हाथ बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहने सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज सब समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जिसके सभी कोण कितने हों, 60-60 डिग्री के हों। ठीक है, तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कह रहे हैं एबीसी और बीडी ही दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है, एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ओके बच्चों, फिर हमसे बोला कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई, बी डी ई बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। हमसे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी और बी डी ई इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी पर है, तो डी अगर बी डी है तो ई यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, समबाहु बोला है, अगर ये भुजा और ये समबाहु भुजा बोला है, तो अगर ये इसका मध्य बिंदु तो ये वाला भी इसका मध्य बिंदु होगा। अगर ये टोटल दूरी 2a है, ठीक है, सो इसकी जो भुजा की लंबाई होगी वो उसकी आधी a होगी। हमसे बोला ए बी सी का क्षेत्रफल, वैसे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 जो भी भुजा होगी उसका वर्ग होता है, नीचे भी वही हो जाएगा √3/4, अनुपात का मतलब बट्टे में भुजा का वर्ग। सेम टू सेम कटा, पहले ए बी सी की बात कर रहा है, ए बी सी की भुजा क्या मानिए 2a, तो 2a का वर्ग, और दूसरे वाले की भुजा हमारे पास क्या है, a का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग 4, ए स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर 4 / 1, आपका आंसर आ जाएगा
4:1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हमने आराम से कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांगक्षम होते हैं। सर्वांगक्षम का मतलब बराबर, एक जैसा बिल्कुल, और समरूप का मतलब दिखने में एक जैसा परंतु बराबर नहीं। तो सभी वृत्त दिखने में एक जैसे होते हैं परंतु बराबर नहीं होते, यानी कि सिर्फ समरूप होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपसे देखो बच्चा, ये प्रमेय 6.6 का क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है और आपसे उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा ना, तो जो भी अनुपात का मतलब बट्टे में जो भी है उसका वर्ग कर दो, क्योंकि प्रमेय 6.6 क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग 16, बट्टे का मतलब अनुपात, 9 का वर्ग 81, सो आंसर हो जाएगा 16:81, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ये दो समरूप, उसका उल्टा पूछ दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो संगत भुजाओं का निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, संगत भुजा जब भी बोलेगा ना, संगत भुजा निकालो, तो जो भी अनुपात दे रखा है उसका क्या कर दो, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, सो आंसर आ जाएगा 4:3, 4:3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी क्वेश्चन का ये उल्टा था, शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं, ठीक है, संगत कोण और संगत भुजा आपस में क्या हो बेटा, संगत कोण बराबर होने चाहिए और जो भुजा होती है वो समानुपाती होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। कह रहे हैं यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, समकोणिक त्रिभुज, विषम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उपरोक्त सभी। देखो दो त्रिभुज कि अगर संगत कोण बराबर हो तो क्या कहलाएंगे, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, ठीक। अब संगत कोण तो कुछ भी हो सकता है, 30 40 कुछ भी हो सकता है, तो इसे क्या बोल सकते हो, विषम त्रिभुज तो नहीं बोल सकते, समबाहु त्रिभुज भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, समकोणिक त्रिभुज ही बोल सकते हैं, नाम में कोई फर्क पता नहीं चल पा रहा है। कह रहे सभी वर्ग क्या होते हैं, अभी मैंने जैसे सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप, तो सभी वर्ग भी क्या हो जाएंगे, समरूप। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, दो खंभे हैं, एक ये जमीन है, खंभे हवा में तो उड़ेंगे नहीं, जमीन पे होगा, एक खंभा जिसकी लंबाई है 6 मीटर, एक खंभा है जिसकी लंबाई है 11 मीटर, ठीक है। ये बेटा हमारे पास 6 मीटर है और ये टोटल हमारे पास 11 मीटर है, ठीक है, 11 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है भूमि पर खड़े हैं यदि खंभों के पाद बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बच्चों, 12 मीटर। तो इनकी ऊपरी शिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है वो हमें बतानी है, ठीक है। खंभे परपेंडिकुलरली खड़े होते हैं, अगर टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होगा तो गिर जाएगा, तो इसके समांतर हमने एक रेखा ले ली, ठीक है, ये इसके समांतर है, अगर ये 12 है तो बेटा ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है, अगर ये 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 मीटर ही होगा, ठीक है, अगर ये 6 है टोटल 11 है तो यहाँ से लेकर ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर, तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा, ये 12 है ये 5 है, मुझे ये भुजा निकालनी है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, इसको आप आधार मान लो और इसको आप लंब मान लो, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या कहता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण हमें निकालना है, आधार का वर्ग 12 का वर्ग, लंब का वर्ग 5 का वर्ग, 144 25, 169 इसका वर्गमूल निकाल लेंगे कर्ण निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों शीटों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी, ठीक है, मीटर में दे रखा तो 13 मीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं,
किसी त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, ठीक है, एबीसी बनाना है आपको ध्यान से, जिसका बी कोण समकोण है, ये बी वाला कोण समकोण बना दिया, अगर ये बी है तो यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ कहीं सी होगा, ए बी सी, ठीक है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर हो, ए बी 12 सेंटीमीटर हो और बी सी 5 सेंटीमीटर हो, तो ए सी का मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ठीक है, ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार कितना है यहाँ पर बेटा 5 और लंब ये है 12, 25 प्लस 144 आ जाएगा 169 और 169 का निकाल देंगे वर्गमूल तो आ जाएगा 13, तो कर्ण कितना होगा बेटा 13 होगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि त्रिभुज कह रहे ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है, ठीक है, ये समरूप है, थोड़ा आइडिया लगाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नाम देखो बेटा क्या दे रखा है, पहले का ए बी सी, ए बी सी और दूसरा है हमारा है पी क्यू आर, ये समरूप है, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखो, ए हमें दे रखा है 42, ये हमें 42 है और आर हमें दे रखा है 80, आर हमें दे रखा है 80, ठीक है, तो बी कौन बताइए कि कितना होगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ 80 है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही समरूप बोल रखा है, समरूप क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ तो है ना, संगत कोण अगर यहाँ 80 है तो यहाँ पर भी 80 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, इस मान लेते हैं हमें बी निकालना है, उसे एक्स डिग्री मान लिया, एक्स प्लस 80 प्लस 42, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो इनको जोड़ो और ये हो जाएगा 02 8 4 12 122, सो एक्स आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से दोगे 8, 7 में से दोगे 5, तो 58, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारा बी कोण होगा वो कितना आएगा, 58 डिग्री आएगा, ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था, पाइथागोरस ने, यूक्लिड ने, थेल्स ने, इनमें से कोई नहीं, बच्चा बच्चा जानता है, उसी के नाम से ही बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, तो किसने किया था बेटा, पाइथागोरस ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, ओके, जबकि उसी समय उसी टाइम पर एक मीनार की छाया की लंबाई 25 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई की ऊंचाई ज्ञात करना है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, तो जब सेम टाइम पे सेम चीज़ें हो रही हैं उसी के अनुरूप, तो उनका जो अनुपात होगा बच्चों वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ये समरूप त्रिभुज की भांति कार्य करेगा, जैसे इसकी ऊंचाई बट्टा इसकी ऊंचाई, इसका परछाई बट्टा इसका परछाई, 5 × 5 = 25, h × h 6 × 30, तो उस टाइम पे उसकी जो ऊंचाई होगी खंभे की वो कितनी होगी, 30 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए, जब तक पूरा समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं किसी त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना लेते हैं, फटाफट बोल रहा है तो हम बना लेते हैं, पी क्यू आर लगे हाथ बनाते रहो, पी क्यू आर की भुजाओं पी एम और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है, पी क्यू आर बोला है ना, तो पी क्यू होगा और पी आर होगा, कह रहे हैं भुजाओं पर ई और एफ स्थित है, ई और एफ स्थित है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं, ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं, ये हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि पी ई 3.9 हो, पी ई 3.9 हो, ई क्यू 3 हो और ई पी एफ 3.6 हो और ये 2.4 हो,
तो देखो थेल्स थ्योरम को अगर ये संतुष्ट करता है तब तो जाकर ये समांतर होगा ये भुजा इसके, नहीं तो नहीं होगा, है ना। क्या कहती है देखो, अगर ये बट्टे ये यानी कि 3.9/3 बराबर आ जाता 3.6/2.4। देखो यहाँ पर भी एक स्थान के बाद यहाँ पर भी एक स्थान, से दशमलव हट गया, यहाँ से दशमलव हटाओगे इधर एक अंक, यहाँ जीरो बढ़ गया, काटो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 3 12 दुनी 24, 12 3 36, तो यह आ गया 1.3, यह आ गया 1.5, बराबर नहीं है यार। अगर इन ये बट्टा ये और ये बट्टा ये दोनों तरफ अगर बराबर होते हैं तभी जाकर ये समांतर होता है, इधर 1.3 आ रहा है उधर 1.5 आ रहा है, बराबर नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि जो ई एफ और क्यू आर वो समांतर नहीं है, ई एफ क्यू आर समांतर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ, तो बताइए एबीसीडी एक क्या है। तो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां या फिर 11वां है, मुझे तो क्वेश्चन याद भी हो गए। ठीक है अगर आपने सच में पढ़ाई की है, सच में आपने पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा कि ये किसका क्वेश्चन है। मैं लगे हाथ, मेरे हाथ में एनसीईआरटी बुक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते और आप सोचते हो कि हमारे पास क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है अगर आपको देख पा रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 खोल लीजिए आपके एनसीईआरटी में, तो बेटा यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये एक समलंब त्रिभुज है, ये क्या है एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब समलंब चतुर्भुज में ही ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है एओ बट्टो बी एओ बट्टा बी ओ बराबर होता है सीओ बट्टा डी ओ, ठीक है इस पर भी डायरेक्ट कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, एक समलंब चतुर्भुज देगा तो ये प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करती है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। करें यदि डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर हो तो बताइए कि ई एफ किसके समांतर है। ठीक है तो ई एफ किसके समांतर है ये हमें बताना है। इसको तुम हटा दो क्वेश्चंस क्योंकि ये गलत है, आप अंदाजे में कैसे बता दोगे कि ये डी एफ कहाँ है ओ क्यू कहाँ है, त्रिभुज व्रुज कुछ बोला नहीं गया है तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है इसे छोड़ो, स्किप करो इसको, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ये बहुविकल्पी प्रश्न मैटर नहीं करते हैं। अगर आपका पूरा चैप्टर, आपने सारे थ्योरम आपको आता है, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाई किया, आपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रखे ना, यकीन मानो एक एक बहुविकल्पी प्रश्न कहीं से भी आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं थोड़ी ना रट के आया हूँ ये कहीं से। ठीक है मेरे को तो क्वेश्चन दिख गया, मेरे को दे दिया गया, मैं फटाफट करवाया जा रहा हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो। मैंने कोई स्पेशल अलग से बुक नहीं पढ़ी है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए, कोई अलग से क्लास नहीं लगाई है, ये जो आपको मैंने सिखाया है उसी से ये सब बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पे पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। समकोण त्रिभुज उसने पहले ही बोल दिया है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तीन भुजा जो दे रखी है उनमें सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होगी, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है 25, तो 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा कर्ण। अब लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लंब और आधार कुछ छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ण उन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कहें त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार हैं। देखिए पहले जो बोल रहा है उसे बना लेते, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है फिर हमसे बोलना है कि ए बी एवं ए सी, ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु में डी मध्य बिंदु और इधर क्या है बेटा ई, इस प्रकार है कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, डी बी सी के समांतर है। ठीक है बी सी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो डी कितना होगा? ठीक है, बी सी अगर हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो डी ई कितना होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, अब इसको आप कैसे कर सकते हैं? मध्य बिंदु बोला है और ये त्रिभुज कैसा है वो स्पेसिफाई नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये इसकी क्या होगी। लेकिन देखो, अगर मैं बात करूं कि ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, और ये चीज़ इसकी मध्य बिंदु है, ठीक है, और ये समांतर है, चूंकि DE समांतर है BC के, तो थेल्स थ्योरम से AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा AC के होगा, AE बट्टा AC के बराबर होगा। अब क्योंकि ये थेल्स थ्योरम है और देखो ये बोल रखा है कि ये मध्य बिंदु है, ये चीज बराबर है, और साथ ही साथ इसमें और एक प्रॉपर्टी ये लग सकती है कि AD बट्टा AB किसके बराबर होता है? AE बट्टा AC, ये भी थेल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है, ये चीज भी हो सकती है, ठीक है, ये बराबर होगा, ये चीज बराबर होगी, ये दोनों चीज बराबर होगी। ठीक है, अब देखो अगर इस ये टोटल दूरी तुम्हारी कितनी थी, अगर मान लेते कि ये 2 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ए होगी। अगर तुम अनुपात निकालने जाओगे, ये वाला AD, AD कितना है? ए है, और ये कितना है? 2A है। ए से ए कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर कैसे निकलेगा? क्योंकि ये इसके समांतर है, ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हो तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तभी मैंने इसको लिया, इसको कंसिडर किया। देखो AD बट्टा AB बराबर होगा AE बट्टा AC, और DE इसी के आगे लगा देता हूँ, DE किसके बराबर होगा? बट्टे BC के बराबर होगा। तो ये तीनों चीज आपस में बराबर होगी, तो ये चीज मैं इसको बराबर ले सकता हूँ, AD बट्टा DB किसके बराबर ले लूंगा? DE बट्टे में BC। AD बट्टा DB मेरे पास 1/2 है, DE मुझे निकालना है और BC मुझे दे रखा है 8, 2 चौके 8, DE का माना जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका A कोण समकोण है, ओके, जैसा बोला, और AC बराबर है BD के, A कोण समकोण बोला है, यहाँ A है तो यहाँ कहीं B होगा, यहाँ कहीं C होगा, ABC। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि जो AC है और जो BD है वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमारा कर्ण था, ये हमारा आधार था, ये हमारा लंब था, तो कर्ण का वर्ग यानी कि BC का वर्ग किसके बराबर होते हैं? AC के वर्ग के बराबर होगा और AB के वर्ग के बराबर होगा, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि AC बराबर किसके है? BD के हैं, तो या तो AB की जगह तुम AC रख सकते हो, यहाँ AC स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 AC स्क्वायर, या तुम AC की जगह तुम AB रख सकते हो, AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर। तो आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो इनमें से कौन सा दे रखा है, ठीक है, 2AB स्क्वायर दे रखा है। अरे भाई, ठीक है, सो सही प्रमेय कौन सा होगा वो हमें बताना है। क्या हो गया भाई, ये क्या दे रखा है? BC स्क्वायर की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो BC स्क्वायर आएगा, यहाँ पर AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर है,
AD2, ये गलत है, ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं किताब में, ये चीज ही हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ABC, ए बी इतना है, ए सी इतना है, बी सी इतना है, तो बी कौन क्या होगा। सो देखो सीधा सीधा आंसर, इसका आंसर 90 होगा। कैसे? देखो अगर आपको तीन भुजा दे रखी है और वो सबसे बड़ी वाली भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी वाली भुजा ये है, ठीक है, 12 का वर्ग 144 और बाकी दो छोटी वाली भुजा के वर्ग के योगफल के अगर बराबर आ जाए, ये देखो 36 अंडर तीन का वर्ग 3 यहाँ से हो जाएगा 36, ठीक है, 36 बाहर ले लो, 3 + 1 36 × 4 6 × 24 हसिल लगा दो, 6 × 3 = 12 × 2 = 14 देखो इधर भी 144 इधर भी 144, तो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाएगा, तो वो एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती है और समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण होना कंपलसरी है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कि ये कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज देखो, एक समबाहु त्रिभुज जिसका सी कौन समकोण, ये सी है, अगर ये सी है तो यहां कहीं बी होगा, यहां कहीं ए होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोला है तो ऑब्वियसली बात है कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, समबाहु समद्विबाहु है ना, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, यानी कि ए सी भुजा किसके बराबर है, बी सी भुजा के बराबर है। और अभी मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, ए बी का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज होती है। अब तुम ए सी है, बी सी की जगह तुम ए सी रख सकते हो, देखो पैसा ए सी रख सकते हो, तो ये या तो 2AC² होगा, ठीक है, इसकी जगह मैंने AC रख, या फिर बी इसके जगह पर तुम BC रख सकते हो, BC² और पहले से इधर BC, या तो 2BC² होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, 2AC² दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बड़े आराम से। आगे आ जाओ, कह रहे दो संभाव त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संभव बोल के आपको बस भ्रमित कर रहा है, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और आपसे भुजाओं का अनुपात बोला है, तो हमेशा क्या करना है, उसका वर्गमूल निकालना, 3:2, ठीक है, सो आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर बी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। देखो एक कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक कोण की समद्विभाजक, त्रिभुज बनाओ एक कोण की समद्विभाजक, ये कोण है इसकी समद्विभाजक, समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका हो, उसकी एक ये माध्यिका है, मतलब माध्यिका क्या होता है, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, ठीक है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, ठीक है, वह त्रिभुज कैसा होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा, वो आपसे पूछ रहा है, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो देखो ये जब माध्यिका हम डालेंगे, ये इसको ऐसे ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। सो जो वीडियो बनाते बनाते कब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सारे क्वेश्चन करा भी दिए थे तो फिर से करवाना पड़ेगा आई थिंक। सो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ठीक है, कह रहे नीचे दिए गए त्रिभुजों की कुछ भुजाएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं वही होंगी जो सबसे बड़ी जो लेंथ होगी उसका जो वर्ग होगा बाकी दो छोटे के वर्ग के बराबर होगा। तो देखो सबसे बड़ी यहाँ 25 है, तो 25 का वर्ग करते हैं, इधर बाकी दो छोटे हैं इनको वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, 7 का वर्ग 49 और ये होता है 576, जोड़ेंगे
625 आ जाएगा और इधर भी 25 का वर्ग 625, तो ये आ गया सबसे बड़ी वाली का वर्ग, बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई भी आपका ये चीज़ संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होंगी समकोण त्रिभुज की भुजाएं। बात बाकी ये चीज़ भी मैंने पहले ही करा रखी थी तो फिर से मुझे करवाना पड़ रहा है। कह रहे एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ये जो भुजाएं है और सॉरी ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, तो सी ए स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखो मैंने उसी हिसाब से एक चित्र बनाया था, एक त्रिभुज मैंने एबीसी बनाई, ठीक है, उसमें क्या बोला ए डी, बीसी पर एक बिंदु मैंने डी ले लिया यहाँ पर, ठीक है, फिर क्या बोला ए डी सी, ए डी सी मतलब ये वाला जो कोण है क्या बोल रहा है बी ए सी, बी ए सी इस कोण के बराबर है, ठीक है, तो सी ए स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ऑब्वियसली देखो अगर ये दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये वाला ले लिया हमने सी डी ए और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप, क्योंकि देखो बड़े छोटे वाले त्रिभुज में भी सी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी सी है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये दो कोण हमें बराबर दे रखे हैं। किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज अगर बराबर है संगत तो तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है, तो एंगल 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 से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप। अब जो दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। सो देखो हमारे जो त्रिभुज हैं सी ए बी और सी डी ए, ठीक है, सी ए बी ये और सी डी ए ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, तो हमने पहले क्या किया सी ए, सी ए और इसके बट्टे में क्या जाएगा सी डी, यहाँ से देखिए, और फिर क्या है मुझे सी ए स्क्वायर चाहिए ना, तो फिर मैंने क्या लिया सी बी और इधर से क्या जाएगा बट्टे में सी ए लिखो या ए सी लिखो बात तो एक ही है। अब सी ए गुणा ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर जो कि आपको चाहिए, और सी बी गुणा सी डी आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी बी गुणा सी डी, सी बी गुणा सी डी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रखी होगी, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो में बने सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बाकी सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद।